आपकी आईज, आपका नोज, आपका माउथ, कहीं से वो टॉक्सिन्स जो है वो ड्रेन नहीं हो सकते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बॉडी का एक ड्रेन सिस्टम है, वो उसी सिस्टम से ही ड्रेन होंगे। तो उसके लिए आपका P6 पॉइंट है, P6 पॉइंट होगा। P6 पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, आप कलर भी अप्लाई कर सकते हो। तो कलर अप्लाई करने के लिए बेस्ट पॉइंट इज द P6 का, दिस इज द लोकेशन। P6 आपका ये पाम के ऊपर यहाँ आया है, ये आपके रिस्ट है, ये पूरे रिस्ट है, रिस्ट का नीचे क्या है, ये आपका पूरा रिस्ट है, ये आपका रिस्ट लाइन आ गया, और रिस्ट के जरा से नीचे जो है, दोनों नीचे जो है, ये आपका P6 आ जाएगा, करेक्ट है, लोकेशन करेक्ट है ना, आई एक्सप्लेन करेक्ट लोकेशन, तो P6 आ गया। अब P6 आपका लिम्फ का पॉइंट है, लिम्फ आपने ड्रेन करना है। लिम्फ ड्रेन के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है, विंड, एक्सट्रीम एयर फोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यू कैन पुट P6 ग्रीन कलर, वेरी गुड, यू कैन पुट P6 ग्रीन कलर इन केस ऑफ द कैंसर पेशेंट, यू कैन पुट ग्रीन कलर ऑन दिस पॉइंट, P6 ग्रीन कलर। इफ देयर इज स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड्स, स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड, स्वेलिंग मीन्स की हीट एनर्जी एक्सपेंशन, देन यू पुट द ब्लैक कलर। नेक्स्ट पॉइंट स्प्लीन 6 इज अनदर होमोस्टेटिक पॉइंट। These all are the point you are asking, these are the homeostatic point. There are 8 homeostatic point in the body. Those who are from the TCM, they must be knowing the homeostatic point, therapeutic value of the homeostatic point. Yeah. You all know homeostatic points? What is the therapeutic value of homeostatic points? No, sir. So we don't know anything. So we have never studied all these things. My God. So many of us are new, so for us it's absent. There are the 8 homeostatic points in the body. Okay. So some of them I may be forgetting, or I will try to explain which are I can recall. SI3, UB62. SP6, ST36, P6, LU7, LU7, Lungs 7, Triple Gorgon 5, TW5, कितने हो गए? 7. GB 41. GB41 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 GB41
प्लीज मैडम मैम प्लीज प्लीज यू विल बी कंफ्यूज, कुछ नहीं पता लगेगा आपको, भूल जाओगे। ये वाले 8 पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि आप कंप्लीट बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यू कैन डू द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी विद दिस 8 पॉइंट। 2 पॉइंट्स अबव द डायफ्राम, 2 पॉइंट्स बिलो द डायफ्राम, सेम 2 पॉइंट्स बैक बिलो द बैक, लाइक वाइज यू कैन डू दिस
These 8 points you can use anywhere. It one of them or 2 points should be in every repertory of your work. कोई भी प्रोटोकॉल आप बनाते हो ना, उसमें ये 2 पॉइंट होना, होमोस्टेटिक पॉइंट होना बहुत मस्त है, बहुत जरूरी है. अकॉर्डिंग टू द लोकेशन. सर ये हाथ पे ढूंढे या जैसे आप तो हाथ पे करवाते हो ना ये ट्रीटमेंट? हाँ, सारी लोकेशन जो है ना होमोस्टेटिक पॉइंट्स की वहां पर है. बट इन आवर केस, इन आवर नॉलेज शेयरिंग, आवर नॉलेज शेयरिंग, वी यूज ऑल दिस पॉइंट ऑन द हैंड्स. इट मे बी ऑन द हैंड, दो यू want to put the colors on the body, they can use also in the body. Okay. It depends on the choice of the patient or choice of the doctor, where you want to put the colors. Homeostatic point, understand? And UB63, UB62 and SI3. It is a master point for the spinal cord. Sir, repeat. UB62. And SI3. Master point of spinal cord. So what do you mean by that? That the master point of spinal cord. Iska matlab kya hai? Agar ye hum word use kiya master point of spinal cord, iska matlab kya hai? मतलब कि जो भी आप UB63 और SI3 पॉइंट करते हैं तो यू कैन ट्रीट एनी प्रॉब्लम ऑन द स्पाइन. कोई भी इशू है तो ये ट्रीट. एनी इशू. यस, दीज आर द मास्टर पॉइंट. मास्टर पॉइंट मीन्स कि इट कैन कंट्रोल द कंप्लीट स्पाइन. एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्पाइन. इट मे बी फिजिकल प्रॉब्लम, इट मे बी द मेटाफिजिकल प्रॉब्लम, इट मे बी एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम. एंड इवन स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड विद द ऑर्गन्स, even then you can use this point UB62 and SI3. Next, in the next table we will see the UB63 therapeutic value of the UB62 and the SI3 color. SI3 I think may be the coldness point of the SI का. तो उसी तरह से ये lymphatic point के लिए होगा, spinal cord के लिए होगा. Good point or wind point? Same. Both are same. I call energy only. Okay. I don't call उसके बाद में उसका जो मेटल वगैरह है, I go only by energy. केवल एनर्जी से नहीं करते हैं, एनर्जी में क्या करना है उसको हम लोग करते हैं. तो अभी आपको जो हो गया होमोस्टेटिक पॉइंट्स का हो गया कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इन होमोस्टेटिक पॉइंट्स को आपने अपने डिपार्टमेंट में ऐड करना है. अभी आ जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर. ये कल हो गया था, ये भी रेड कलर का काफी कुछ आया है. एक्सप्लेन कि रेड कलर की प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ पर आपने रेड कलर को यूज करना है, एक्सपेंशन में यूज करना है, यहाँ कोल्डनेस पड़ गई है उस जगह पे रेड कलर को आपने यूज करना है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम दिस बुक आल्सो. ऑरेंज एंड ब्लू कलर. ऑरेंज ऑलरेडी आई हैव यस्टरडे एक्सप्लेन कि हीट एंड हॉटनेस, that is the above stage of the energy, hotness energy. If there is a heat stroke, then there is a hotness energy. If there is a heat, sweating, it means heat energy. Pain, less pain, heat energy. Maximum pain, hotness energy. Likewise brain आपका फटा जा रहा है, means कि hotness energy. Light pain, you can tolerate the pain, red color. Sir, migraine is not related with the brain. Migraine is not related with the brain. Migraine, there are two reasons of the migraine. Especially in case of female is a different reason, male is a different reason. Connectivity, both are same. Migraine in
case of migraine, you can just tone the oldness of the gallbladder. Tone coldness of the gallbladder, wind tone, heat sedation. Wind tone, sedate. Wind tone, coldness tone, heat, hotness, sedation. Because gallbladder is the postmaster of the brain, that I already explained yesterday. Yes. Our gallbladder is the post office of the brain. And migraine, there is one of the reasons in the case of female. Your menstrual cycle, things are, system is trying to drain out the toxins. Your body is expelling the toxins of from the body, but the system is not allowed to do so. Your mental computer, it is not allowing to do so the lower part of the body. But lower part of the body is physically trying to expel the toxin. There is a conflict between the brain and the lower part. Understand? So if you go to, if you select the points according to this theory, your migraine treatment will be 100% successful. 100% successful. But in case of male, if there is a migraine, it may be related with the digestive system or with the mental status of the individual. Whether it may be extreme under stress or there may be any problem. So in case of migraine, medicine is same. Either she may be or he may be. But you have to, as a holistic healer, you have to diagnose the root cause of the problem. Where the problem lies, where the problem starts. Accordingly, you have to select the colors and you have to select the points. Sir, इसका मतलब है सर माइग्रेन उन लोगों को होगा औरतों में जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू है सर जो बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं जो 11-12 साल के बाद नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है तो 12 साल के बच्चों को माइग्रेन नहीं होगा या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसका खत्म हो गया 45 या 40 एज में उनको माइग्रेन नहीं होगा फिजिकल वर्किंग इज डिफरेंट मेटाफिजिकल वर्किंग इज डिफरेंट इफ आवर गॉलबैडर इज रिमूव्ड Even then, gallbladder meridian exists in the body. Yes. And gallbladder is meridian, metaphysical energy is working. Likewise there, if the woman, after 45 or 55, menopause is there, even then, organ is there, organ's energy is there, that energy is manifesting. That energy is manifesting. Organ is there, but their physical function is not proper, but organ exists. तो इस करके वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती है सर कई बार माइग्रेन पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको मंथली एक बार कभी पेन हो गया किसी को फिर हफ्ते में होना शुरू होता है कि उनको पीरियडिसिटी बदलती है हाउ इट व्हाई इट इज हैपनिंग प्लीज देयर मे बी एनी रीजन दीस टू आर द रूट रीजंस ओनली टू दीस आर द टू रूट रीजंस इफ यू गो बाय दिस थ्योरी 100% यू विल गेट द सक्सेस Orange and blue color means कि migraine जो है वो excessive आपका heat का वो है area तो उसके ऊपर जो है आप orange color के उसमें side में आते हैं yellow and violet both are complementary I have seen so many people they say कि you put the violet color you put violet color on the same point some point but these both are the complementary yellow color and the violet color both are complementary either you use the violet color or the yellow color because yellow color is the color of the humidity energy or color of the stomach and spleen anything related with the stomach and spleen you can use this color
when I was explaining the humidity energy, then I explained yellow color accumulation, knowledge, wealth, whatever you want, you want to accumulate the things, wealth, knowledge, everything. Wealth, knowledge, accumulation, being color of the result is used in excess, a person can dispatch from the people and other people. कई लोगों ने देखा होगा आपने, those who are very fatty and not very active, they disassociate from the society themselves. कि अगर मैं उनके बीच जाऊंगा तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे? That is the property of the humidity energy and yellow color. Means कि those who don't want to involve within the society or within the friend circle. They want disassociate with the friends and anything else. So it means ki they are more humor, they are more this humidity energy. Humidity energy ko, jaise already aap logon ko bataya tha, humidity energy ko kaun kill karta hai? Wind color kill karta hai. Green color jo hai, wind usko kill karta hai. Ab humidity energy ka par jo one tally point SP6 ho gaya, SP36 ho gaya. Now we can take the liver 3. Liver 3 is the humidity point of the liver. Liver 3 is the homeostatic, liver 3 is the humidity point of the liver. Means the point of the stability. Anything you find the excessive movement in the liver, means कि excessive bile generation, आपके मुंह में excessive saliva है, your food remain undigested, anything related which should be controlled by the bile and the acids. If your food is not getting proper acids and bile, it will not be proper homogeneous. Homogeneous or semi liquid. होमोजीनियस एंड सेमी लिक्विड. जब भी हमारा खाना यहाँ से जाता है तो यहाँ तक आते आते जो है ना, इट बिकम्स अ सेमी लिक्विड. इट बिकम्स अ सेमी लिक्विड. सेमी लिक्विड यू अंडरस्टैंड, जैसे बहुत पतला सा हलवा होता है ना, पतला पतला हलवा, वो शेप में आ जाता है विद इन दिस शेप. मीन्स कि जस्ट यू रिटर्न द फूड एंड विद इन वन मिनट और लेस देन ए वन मिनट, it will convert in a semi-fluid condition. So that why it happened, because of liver and gallbladder. They have supplied the bile and the acid, and that food will melt immediately. Immediately it melts within the food pipe. Once it goes to the stomach area, it is liquefied. So that is the action of the liver. If liver humidity is not working properly, then you can sedate the action of the liver by putting yellow color on liver 3. So if I yellow lagaye to 25 nahi jayega. 25 humidity ko 25 kaise karte ho aap? Wind subjugate karti hai humidity ko. I will draw the circle, then it will be easy for me. Thank you.
विंड जो है इम्यूनिटी को अब यहाँ पे सर्दी में आप देखेंगे तो विंड एनर्जी जो है इम्यूनिटी को सेडेट कर रही है, सब्जुगेट कर रही है, सप्रेस कर रही है। अब आपका क्वेश्चन क्या था, इम्यूनिटी किससे सब्जुगेट होगी, यू कैन सी दिस विंड इज सब्जुगेटिंग ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी एक्सेस है तो लीवर थ्री के ऊपर जो है आप ग्रीन कलर लगा देंगे तो ह्यूमिडिटी सब्जुगेट हो जाएगी। तो जो लीवर स्लगिश था, जो लीवर आपका स्लगिश काम कर रहा था, लीवर अंडर एक्टिव था, लीवर कम काम कर रहा था, उसको जब लीवर के ऊपर ह्यूमिडिटी थ्री के ऊपर आप ग्रीन कलर लगा देंगे तो आपका लीवर एक्टिव हो जाएगा। ह्यूमिडिटी एनर्जी जो उसको रोक के रखी हुई थी, उसको स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ था, स्टेबिलिटी दे रही थी लीवर को, वो अब उससे विंड एनर्जी से वो एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव हो जाएगा तो उसके अंदर से बाइल्स भी निकलेंगे, बाकी सारी चीजें निकलेंगी, बाइल्स एसिड वगैरह सब कुछ निकलेगा, वो सारा चीजें निकलेंगी तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो चीज इम्प्रूव करेगी। क्लियर सर? वन डाउट, व्हाइल यूजिंग लीवर थ्री बाय वे ऑफ स्टिमुलेशन और निकलिंग, इट इज नोटिस्ड पेशेंट्स गेट पेन, सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन? Many of the cases I've seen liver stimulation by way of drilling or micro stimulation, the patient undergoes faintness. So, what precautions are to be taken to handle the situation? Yes, thank you. Liver is an organ which is the most strong organ in the body. Thank you. जल्दी से लीवर को कुछ होता नहीं है, बहुत कुछ हो जाएगा तभी जाकर लीवर खराब होगा। और इवन देन उस कंडीशन में भी अगर आपका लीवर 30% खराब हो गया है तो यू कैन डिलीट, यू कैन कट द 50% ऑफ द लीवर, रेस्ट 50% ऑर्गन इटसेल्फ विद इन अ पीरियड वो फिर पूरे का पूरा 100% लीवर आ जाएगा। तो लीवर के अंदर विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस और फाइव एनर्जीज हैं। होमोहाइड्रो इज देयर, होमोहाइड्रो मीन्स कि सपोज करो लीवर सिरोसिस हो गया है, लीवर के अंदर पस आ गया है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज हो गई है, तो ऐसे केस में हमने क्या करना, लीवर की हीट हॉटनेस, लीवर हाइड्रो और लीवर होमो उन दोनों को ट्रीट करना है। बॉयल्स का सिक्रेशन कम है, बॉयल्स सिक्रेशन कम होने का मतलब क्या है, लीवर जो है वो अंडर एक्टिव है, वो जितना उसको एक्टिवनेस होनी चाहिए, जितनी चीजें सीक्रेट करनी चाहिए, इट इज नॉट एबल टू सीक्रेट द थिंग्स एज पर द रिक्वायर्ड बेसिस ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है कि मेरी बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने के टाइम पे